कांग्रेस ने धर्मशाला में देवेंद्र जग्गी को दिया टिकट। पार्टी के बागी एवं पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को देंगे चुनौती। राकेश चौधरी पर नहीं बनी सहमति। देवेंद्र जग्गी का नाम हुआ फाइनल। कांग्रेस ने जारी कर दी है अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला सीट से कांग्रेस ने पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी को मैदान में उतार दिया है। पार्टी हाईकमान ने देवेंद्र जग्गी के टिकट का ऐलान कर दिया है। टिकट दावेदारों की रेस में भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर खुले तौर पर ऐलान कर चुके राकेश चौधरी पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि आज ही उनके एक दल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जहां पर राकेश चौधरी को टिकट देने की पैरवी की गई। अंततः पार्टी ने 5 से ज्यादा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जग्गी का टिकट ही फाइनल किया है। अब कांग्रेस के देवेंद्र जग्गी की टक्कर कांग्रेस से पूर्व बागी विधायक एवं वर्तमान में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा से होगी। राज्यसभा चुनाव में बगावत के बाद स्पीकर ने सुधीर शर्मा सहित कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित ठहराया था, इसलिए अब 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने सभी 6 सीटों पर कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया है, इसलिए सभी 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का मुकाबला कांग्रेस के ही बागियों से है। अन्य 5 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है। धर्मशाला में अब तक पेच फंसा हुआ था। अब देवेंद्र जग्गी के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेस की सभी टिकटें सामने आ गई हैं। इसके बाद अब कांग्रेस चुनावी प्रचार पर ध्यान लगा सकेगी।